जनप्रतिनिधि और सरकार की मिलीभगत से कई ऐसे गांव है जहां पर सरकार के पैसे को बेवजह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही एक मामला अमरावती जिले के अंजनगांव तालुका ग्रामीण विही गांव में सामने आया, जहां पर पिछले कई सालों से एक ऐसी सड़क और नाली बनाई गई है जिसका पानी पूरा सड़क पर थम जाता है, जिसकी वजह से गांव में रहने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल के दिनों में ही पहले ही लोग कोरोना की बीमारी से परेशान हैं, लेकिन इन दिनों डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी भी अपने पाँव पसार रही है। ऐसी ही बीमारी का सामना ग्राम पंचायत विही गांव के लोगों को करना पड़ रहा है। विही गांव वार्ड क्रमांक 44 में, जहां पर पानी थमने की वजह से और नाली का सही ढाल न होने की वजह से नाली का पानी सड़कों पर आकर जमा हो रहा है, जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहाँ से कई लोग बीमार पड़ चुके हैं, वहीं कई बच्चे बुजुर्ग डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। आखिर ऐसे में सवाल कहीं यही किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत और सरकारी ठेकेदार की मिलीभगत से किए गए इस काम के लिए कौन आवाज उठाए। हालांकि कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत ग्राम पंचायत से की, लेकिन यहाँ के लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जाए तो कहाँ और कहे तो किससे। देखने में यही आता है कि जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बनाए गए रास्ते नालियां खराब बनाई जाती है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। आप तक न्यूज अंजनगांव सुरजी प्रतिनिधि साजिद सौदागर की रिपोर्ट। मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा हूँ, 10 साल से हमें रास्ते का बहुत तराश है और ये नाले पूरे भर जाते, नाले का पानी पूरा रोड पर आता और कई मरतबा हमने ग्राम पंचायत में जाकर सरपंच से मुलाकात करी कि हमें हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं ये नाले इसमें पानी में सांप के बच्चे हो गए, हमारे बच्चों को सांप पकड़ रहे, पाँव को लपेट जा रहे हैं, पर यहाँ पर कोई आकर हमारे को कोई ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि सरपंच ने खुद 3-4 महीने से हमारे को यहाँ पर मुलाकात नहीं दी और हमें ये तराशा है कि हमारे बच्चों को रास्ते से स्कूल जाने के रास्ते जाते जब बच्चे तो पूरे कपड़े उनके पीछे से भर जाते छींटों से। तो बस हमारी प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि इसकी जल्द से जल्द काम किया जाएगा। ये नाले का बांध काम अभी 2 साल के पहले किया गया है, लेकिन ये नाले का जो पानी निकालने का था वो पानी उन्होंने बराबर तरीके से निकाले नहीं, उसकी वजह से पूरा पानी ऊपर से पास होकर पूरा बह रहा है। ये नाले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घापला करी इन लोगों ने।